गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सागर सुनाई दे रही है? यस सर, माय वॉइस कमिंग लाउड एंड क्लियर? गुड गुड। सो आप सबके पास जो अभी होगा सीईटी का जो स्कोर है वो परसेंटाइल के बेसिस पे स्कोर आपके पास सबके पास होगा, राइट? तो अभी जैसे जो प्रोसेस रहेगा सर, ये स्लाइड शेयर्ड है सबको? ये स्लाइड शेयर है ना, स्क्रीन यस सर स्लाइड दिख रहा होगा? हाँ सर। हाँ ठीक। तो देखिए अभी जो सीट अलॉटमेंट होता है सीईटी में, तो उसको कैप प्रोसेस कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो इसका अभी ऑफिशियल जो भी अनाउंसमेंट है, जो डेट्स है या स्केड्यूल है, वो वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, ठीक है? तो ये जो भी मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, ये अदर देन ऑफिशियल सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल एक आइडिया के लिए हम लोग कर रहे हैं कि ऑन एंड अबव क्या प्रोसेस हो सकता है काउंसलिंग के लिए अभी हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो डेट्स है, स्केड्यूल है, एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसेस जो है वो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, बट आई बिलीव विद इन कमिंग वीक ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने लिंक एक दिया हुआ है, आपको शेयर किया हुआ है, ये लिंक पे आपको पूरा जो भी कैप का जो डिटेल है, जिसको कैप कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस का फॉर बी प्रोग्राम फॉर 2020, तो इसका पूरा आपको डिटेल ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है इसमें आपको मिल जाएगा। अभी एक ओवरऑल प्रोसेस जो रहेगा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जब भी देखिए जो जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, कैप राउंड, तीन राउंड होते हैं कैप के, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिस हिसाब से जब जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, वैसे ही कैप राउंड जो होते हैं सीईटी के अंदर में जो कैप राउंड आते हैं उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका एक विंडो रहेगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको जो रजिस्ट्रेशन की लिंक होगी आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, उसमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेंगी वो आपको सारी पर्सनल डिटेल्स जो भी रहेगा वो फिल करना पड़ेगा। आपका उसमें सीट नंबर पूछ सकते हैं, सीटी का रोल नंबर, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आपको उसमें भरना पड़ेगा। टाइप ऑफ कैंडिडेचर है, एवरीथिंग, एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको उस टाइम पे स्कैन इमेजेस जो होती है वो अपलोड करनी पड़ेगी। अभी ये कौन सी इमेजेस अपलोड करनी रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कुछ लिस्ट जो है वो मेरे पास है अवेलेबल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एग्जैक्ट लिस्ट जो रिक्वायर्ड रहेगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि इसमें काउंसलिंग प्रोसेस जब आप रजिस्टर करते हैं तो काउंसलिंग फी होती है, वो काउंसलिंग फी भी आपको पे करना पड़ेगा टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। अभी काउंसलिंग फीस जो होती है ये अलग अलग रहेगी, अराउंड 600 या 800 के आसपास ये जो होती है ये फीस होती है काउंसलिंग में अपेयर करने के लिए, तो आपको वो फी पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए अभी इसमें आई होप एवरीवन कैन सी द स्लाइड, यस और नो, काइंडली एक्नॉलेज प्लीज। यस सर। यस। तो देखिए ये सारे इवेंट्स होते हैं, ये सारे स्केड्यूल है जो कैप राउंड होते हैं, ये आपके सामने सारा डिटेल्स है इसमें। इस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस सीईटी में होगा। जैसा मैंने बताया आपको, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये किया जाएगा, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आपका मार्क लिस्ट है, आपका स्कोर जो है, आपका पर्सनल डिटेल्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। अभी जिन लोगों ने रजिस्टर किया है इस कैप राउंड के लिए, उन्हीं लोगों का सारा एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाता है। अभी तक आपको सिर्फ परसेंटाइल में स्कोर पता है, आपको अभी मेरिट लिस्ट नहीं, आपका रैंकिंग आपको अभी नहीं पता है। तो जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आप आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, सिर्फ उन्हीं का एक मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए कुछ ड्यूरेशन रहता है, कोई अगर कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है मेरिट लिस्ट को लेके तो वो होता है।
उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, उसमें आपका पूरा मेरिट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वो सारा आपका डिस्प्ले होगा, पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फिर अगेन उसके बाद होता है ऑप्शन फॉर्म का, आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, तो वो एक लिंक अवेलेबल होता है, उसमें आपको ऑप्शन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम बहुत केयरफुली ऑप्शन भरिए। सीटी में एक कंसेप्ट होता है होम यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी का, किसी को आइडिया है? अच्छा, कोई है ऐसा जिसको होम यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं पता सीटी में? एनीवन इज देयर? पता है सबको? हेलो जी, हम बता दीजिए सर, अपना जो पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे के अंदर पुणे यूनिवर्सिटी, अभी नासिक जो है अपना, नासिक जो होता है वो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, राइट? तो पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं दैट कम्स अंडर अवर होम यूनिवर्सिटी, तो होम यूनिवर्सिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए अगर PICT है तो PICT का अगर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ मान लीजिए 98.73% पे गया, 98.7 होम यूनिवर्सिटी के लिए, तो आउटसाइड के लिए वो ज्यादा हो सकता है, वो 99 भी जा सकता है आउटसाइड यूनिवर्सिटी के लिए सीएस का। तो होम यूनिवर्सिटी वालों को ये बेनिफिट होता है क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है होम वालों को, पहले होम की भरी जाती है फिर उसके बाद में वो सीटें कम रहती है आउटसाइड यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं अगर आप उनको पहले भरेंगे तो आपको वो ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे PICT हो गया, VIT हो गया, या फिर आप जो सिंहगढ़ या बाकी भी लेना चाहते हैं तो वो, ठीक है? उसके बाद मुंबई के कॉलेजेस है, इसके लिए हम लोग जो होंगे दैट विल बी, वी विल बी फॉर आउटसाइड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, ओके? मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे VJTI है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये सब जितने भी कॉलेजेस हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, उनके लिए हम लोग वी विल बी एज एन आउटसाइड यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो हम लोग को आउटसाइड यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरने हैं, ठीक है? अभी जैसे आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, आपने ऑप्शन डाल दी, आपकी रैंकिंग है, रैंकिंग के हिसाब से ऑप्शन फॉर्म के हिसाब से अलॉट होना शुरू हो जाएगा। दैट विल बी प्रोविजनल अलॉटमेंट 1 फॉर राउट 1, कैप राउंड 1 का प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। अभी देखिए इसमें अभी तक जो मैंने जितना भी सर्च किया है उसमें ये बताया गया है कि उसमें एक कुछ ARCs होते हैं, ठीक है, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, लेकिन अभी वो फिजिकली होगा कि वो ऑनलाइन होगा अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है? जहां तक इसमें बताया गया है कि आपको रिपोर्ट करना है, जो सेतु कार्यालय होते हैं ना, जो नॉमिनेटेड होते हैं वहां पे जाके आपको करना है। उसके बाद जो तीन ऑप्शंस होते हैं स्लाइड फ्रीज और फ्लोट का, वो इसमें भी रहेंगे, ठीक है? तो कैप राउंड 1 के बाद आप फ्रीज कर सकते हैं, आप स्लाइड कर सकते हैं, आप फ्लोट कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद जब राउंड 1 के सारे अलॉटमेंट्स हो जाते हैं, जिनको जिनको है वो अलॉटमेंट, अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे वाली स्लाइड्स में, वो डिटेल भी है, ठीक है? इसके बाद फिर होगा कैप 2 का, जो वेकेंट सीट्स है, जो बच गई है, उसका डिस्प्ले होगा कि कैप राउंड 2 के लिए इतनी सीट्स वेकेंट है, वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ऐसा है कि आप वापस अपना ऑप्शन फॉर्म में री एंट्री कर सकते हैं, आपके ऑप्शन फॉर्म आप वापस ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीट्स वेकेंट। मान लीजिए आपने जितनी भी आपने प्रायोरिटी दी थी वो सारी भर गई, उसके बाद कुछ सीट्स वेकेंट बची है, तो आप वो वैकेंसीज के बेसिस पे वापस आप अपना रिवाइज करते हैं ऑप्शन फॉर्म को, ये काफी जरूरी हो जाता है। फिर आप वापस से कौन सा ऑप्शन फॉर्म्स कैसे भर रहे हैं वो वैकेंट सीट्स के ऊपर आपका डिसीजन मैटर करता है। फिर जैसे ही आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिए फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा राउंड 2 का, इसमें फिर वापस अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको वापस से रिपोर्टिंग करना रहेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि आप उसको फ्रीज कर रहे हैं, स्लॉट स्लाइड कर रहे हैं कि फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है? ये करना पड़ेगा। अभी तो दिया है कि फिजिकली जाना है, हो सकता है वो ऑनलाइन या कुछ और अल्टरनेट मेथड आपको बताए क्योंकि कोविड सिचुएशन है इसके लिए, बट एज फार एज जो नॉलेज, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया हुआ है। ये होने के बाद जिन्होंने अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने फ्रीज कर दिया तो वो सीट्स वापस फिल हो जाएगी। अब जो सेकंड राउंड के बाद जो वैकेंट सीटें बचती है उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी, दैट विल बी फॉर कैप राउंड 3। अभी फिर जो जितनी भी थोड़ी बहुत सीटें जो बची होगी उनके लिए वापस से आपको ऑप्शन फॉर्म जो है वो भर के कंफर्मेशन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वापस आप जो बची हुई सीट्स है उसके हिसाब से वापस आपका फॉर्म्स भर सकते हैं। और फिर सर ये नीचे करने की कोशिश करो, उसके बाद ये जो राउंड 3 होता है ये फाइनल होता है,
और ये इसके बाद आपको जो अलॉटमेंट होगा वो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा, आपको फिर वो जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा और आपका कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको सारा चीजें बता दी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, सर नेक्स्ट स्लाइड बताइए, यस दिस इज द, यस इट्स ओके सर। अभी ये एक आप देख लीजिए, ये है आपका प्रोसेस, ये रहेगा आपका प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज जो है ये सारी लिस्ट बताई जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा कैप के लिए, चॉइस फिलिंग होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा और फिर आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा। तो ये जो है दीज आर द मेजर स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से ही आपका प्रोसीजर रहने वाला है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होता है कि जो प्रिंटआउट्स होते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए करना रहेगा। जो भी इंचार्ज रहेगा फेलिसिटेशन सेंटर का, दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एंड द कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड अ रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं, ये हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। ये प्रोसेस अभी जो बाकी की जितना भी मैंने रिसर्च किया है उसके ऊपर दिया हुआ है। हो सकता है दिस प्रोसेस माइट बी चेंज, फिजिकली आपको प्रेजेंट होने के लिए नहीं बताया, हो सकता है कि वो अवॉइड करें फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मैंने जो बताया है, जैसे जैसे आपका रैंक्स होता है उसके हिसाब से आपके ऑप्शन फॉर्म के हिसाब से वो फिलअप होती जाएंगी सीटें, और फिर एंड ऑफ ईच राउंड जो होता है आपको वैकेंट सीट्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ऑप्शन फिल या आपका चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा और फिर आपका रिपोर्टिंग होगा। सो दिस इज द प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जो है ये आपको ये सब चीज का ध्यान देना है। तो जो भी सीट्स अवेलेबल होगी, आफ्टर चेकिंग द सीट्स अवेलेबल फॉर द रिस्पेक्टिव कैप राउंड द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द ऑफलाइन चॉइस ऑन द ऑप्शन फॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारा अवेलेबल रहेगा। देखिए द फर्स्ट थिंग अभी जो यू हैव टू डू इज द पेमेंट ऑफ फीस, जो मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पेमेंट जो होगा वो बैंक चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं, चालान आप डाउनलोड करके आप बैंक के थ्रू आप वो फीस भर सकते हैं। अभी दे शुड रिपोर्ट टू द नियरेस्ट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। मान लीजिए आप जब फ्रीज करते हैं या फिर जब कैप का तीनों राउंड हो जाते हैं कैप प्रोसेस के, तो यू हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट यू नो एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर अगेन। अभी ये ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको एक लिंक लास्ट में आपको वापस से मिलेगी जिसमें सारी डिटेल्स आपको ये पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। मैं ओवरऑल आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका कंफर्मेशन उस टाइम पे हो जाएगा। नाउ दिस इज द स्टेप वेयर द स्टूडेंट लेट्स द अथॉरिटी नो वेदर दे वांट टू कंफर्म द अलॉटेड सीट और दे वांट टू प्रोसीड विद द फर्दर राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। जैसे मैंने बताया कैप राउंड वन में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है ना, तो इस टाइम पे आपको जाना रहेगा, एक बार आपको करना है और फिर आपको बताना है कि आप या तो फ्रीज कर रहे हो या यू आर वेटिंग फॉर अनदर ऑप्शंस थ्रू स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस जो भी आपके पास है, ठीक है। मैं आपको मोस्टली आपको शायद सबको पता होगा ये तीनों ऑप्शंस क्या रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आपको बता देता हूँ। सो द कैंडिडेट्स विल हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट्स। सो वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीट अलॉटमेंट। तो स्लाइड यानी क्या होता है, उसी इंस्टीट्यूट में अभी आपको ये तो फिक्स है कि मुझे ये इंस्टीट्यूट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल PICT है या COEP है या VIT है, ये कोई भी आपको इंस्टीट्यूट तो यही चाहिए, लेकिन आप प्रिफर कर रहे हैं कि आने वाले कैप राउंड में अगर इससे बेटर ब्रांच आपको मिल जाए तो आप स्लाइड का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज लुकिंग फॉर अ बेटर कोर्स विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट कैन ऑप्शन फॉर दिस, मस्ट नोट दैट प्रीवियस अलॉटमेंट विल नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो रहेगा अगर वो अवेलेबल है तो कैप राउंड 3 के बाद आपको लास्ट में तो वो मिलना ही है, ठीक है। फ्लोट में यू वांट अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑल टुगेदर, द ऑप्शन इज फॉर दोज हु वांट्स टू लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन देन द एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट, बेटर चाहते हैं। सो इफ द स्टूडेंट्स गेट अ बेटर अलॉटमेंट, जो ऑप्शन फॉर्म आपने भरे हैं उससे ऊपर वाला अगर आपको मिल रहा है तो आपको फ्लोट में, मतलब जैसे वैकेंट सीट हो गई या किसी ने मेंस में थ्रू चला गया वो नहीं लेना चाहता या जो भी रीजन है, वो वैकेंट सीट हो गई आपके ऑप्शन फॉर्म में ऊपर वाली सीट आपको मिल रही है तो आपको फ्लोट में दूसरा इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है। थर्ड ऑप्शन फ्रीज होता है कि आपको ठीक है यू आर सेटिस्फाइड, जो भी अलॉटमेंट मिल रहा है आपको वन राउंड आफ्टर कैप राउंड वन या आफ्टर कैप राउंड टू, आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज आई एम हैप्पी विद व्हाट दिस अलॉटमेंट, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो सच कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द नेक्स्ट राउंड, वो आप अभी वो फिल हो जाती है सीटें और जो बच जाती है फिर वही वैकेंट सीट्स नेक्स्ट राउंड के लिए जाती है, ठीक है। सो आई होप एवरीवन नोज दिस। अभी अलॉटमेंट लेटर जो होता है
आफ्टर ईच राउंड, मैंने बताया ना कैप राउंड वन, कैप राउंड टू, कैप राउंड थ्री, हर राउंड के बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, मैंने बताया ना प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो वो अलॉटमेंट आपको कैसे पता चलता है, डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्लाइड्स आप देख सकते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको आपका लॉगिन करना है। उस लॉगिन के बाद आपका जो रजिस्टर अमाउंट रहेगा उसमें आपको क्रेडेंशियल्स डालने, आपका एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको दिख जाएगा, आपको उसका डाउनलोड करना है और फर्दर जो भी है रेफरेंस वो आपको करना है। आपको जैसे अगर अभी तक मैंने बताया कि आपको जो सेंटर है एडमिशन अलॉटमेंट सेंटर, वहां पे जाके आपको या तो प्रोसेस करना रहेगा या फिर अगर ऑनलाइन कुछ प्रोसेस होगी अल्टरनेट तो वो आपको बताई जाएगी। तो इस तरह से आप आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज आप अभी से रेडी कर लीजिए, ये तो लगने ही वाले हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने लिस्ट बताई है, हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो सकता है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर हमको पता चली जाएगा और हम लोग वो कमिटमेंट भी करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लगता है सारे चीजें, आपका हॉल टिकट जो है एमएचसीटी का हॉल टिकट और मार्कशीट वो आपको लगेगा, नेशनलिटी सर्टिफिकेट इज एन मस्ट, मेरे ख्याल से सबके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, बहुत ये सारे कंपलसरी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये अभी तक जितने भी सीटीज की काउंसलिंग हुई है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आने वाले में हो सकता है कुछ चेंजेस हो लेकिन दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर इफ रिक्वायर्ड, ये कंडीशंस पे होते हैं। अगर आपने जैसे कास्ट के थ्रू अगर आपके हुआ है रिजर्वेशन के बेसिस पे तो वैसा आपको नॉन क्रिमिलियर के अंदर आप आ रहे हो तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी रहता है फिर अपने सीटी में एनटीए, एनटीबी, एनटीसी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं कास्ट की, उसका आपको लगेगा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए एक होता है जो अगर आपके अपने पेरेंट्स से अगर बात करेंगे तो उनको पता होगा बच्चों, एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो जात पडताळणी बोलते हैं अपन ते म्हणतात ना जात पडताळणी जे कार्यालय असतं तिथून ते कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडेट करावं लागतं। एनटीए मध्ये आहेत तुम्ही ठीक आहे, कास्ट सर्टिफिकेट वेगळं असतं पण ते व्हॅलिडिटी त्याच्यामध्ये ते पूर्ण जे कोणी जर दाखला दिलेला असणार तर त्यांचा रेफरन्स घ्यावं लागतं, ते एक काय म्हणतात ते हायरार्की पूर्ण दाखवावं लागतं, तो उसके बाद आपको वो चीज मिलेगा। तो कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप उस कास्ट के थ्रू ले रहे हैं तो, ये बहुत जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, नॉन क्रिमिलियर का अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। आप कोई भी अगर रिजर्वेशन में आप किसी भी ले रहे हैं, जैसे डिफेंस कैटेगरी है, पर्सनल डिसेबिलिटी है, हिली एरियाज है, महाराष्ट्र कर्नाटक डिस्प्यूट है, स्पोर्ट्स आप कैटेगरी से जा रहे हो, फ्रीडम फाइटर्स है, एनसीसी का है, जो भी कैटेगरी से अगर आप है तो आपको उसका रिगार्डिंग आपको जो भी है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप नोट कर लीजिए, अगर कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है सीईटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग दीज आर द कॉन्टेक्ट नंबर, ये हम लोग मैं शेयर भी कर लेंगे मनी सर आपके साथ, ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे, उसका ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों मैं आपको दे रखा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, प्लीज सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो लास्ट ईयर का एकेडमिक सेशन था, एकेडमिक ईयर 1920, उसके ये जो तीनों कैप राउंड हुए थे, जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर जो कैप राउंड के गए हैं उनका हमारे पास पूरा कट ऑफ लिस्ट है। वी हैव द कट ऑफ लिस्ट ऑफ कैप राउंड 1, 2 and 3 फॉर द लास्ट ईयर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एकेडमिक ईयर, ये सारा लिस्ट हम लोग के पास है, वी विल बी शेयरिंग, मनी सर विल बी शेयरिंग विथ यू, ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया देगा। उसमें सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है महाराष्ट्र के सबका कट ऑफ है, और कट ऑफ सिर्फ ऐसा नहीं, उसमें आपका होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ या फिर आपका कैटेगरी कट ऑफ, आउटसाइड यूनिवर्सिटी कट ऑफ, सारे कट ऑफ उसमें आपको मिल जाएंगे, कैप राउंड 1 के लिए भी, कैप राउंड 2 के लिए भी और कैप राउंड 3 के लिए भी। तो ये जो तीन जो फाइल्स हम लोग जो शेयर करने वाले हैं प्लीज बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें परसेंटाइल वाइज कट ऑफ दिए हुए हैं, आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है और आप जो कॉलेज चाह रहे हैं उसमें ब्रांच वाइज कौन सा परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था, आपको ये डिटेल बहुत काम में आएगा ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो मनी सर अभी जो फाइल शेयर करेंगे कैप राउंड का वो प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, आई अश्योर यू इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हु इज गोइंग फॉर द एमएससीटी काउंसलिंग। ठीक है, तो शेयर आपके साथ में वो चीज हो जाएगा, इट आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, प्लीज गो थ्रू इट। सो आई होप ये आपको सारा डिटेल्स काम में आएगा और ये है वो लिंक
जो आपको सारा ऑफिशियल डिटेल्स जो है, जो मैंने आपको बताया ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में, cetcell.mahacet.org ये लिंक है जहाँ पे जो भी मैंने स्केड्यूल बताया ना आपको सारा प्रोसेस का, इसका स्केड्यूल, डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायर्ड है, क्या रहेगा, सारा डिटेल इस वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर आप अभी भी जाएंगे ना तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा एडमिशन प्रोसेस विल बी अनाउंस सून। अगर आप ये अभी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां लिखा आएगा एडमिशन प्रोसेस विल बी अनाउंस सून। तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक या कमिंग कुछ डेज में ये सारी जो डिटेल्स हैं ये एक बार आ जाएगी, और जो भी रहेगा नया कुछ अगर रहेगा तो दैट वी विल बी इन्फॉर्म्ड बाय अस। सो आई होप एवरीवन गॉट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कोई कुछ पूछना चाहता है सर? वो EWS का पूछना था मेरे को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए ना। जी हाँ, वही ओपन के इसमें आता हूँ मैं, तो मैंने वो बनाया उसके लिए और कुछ लगता है क्या उसके लिए? जो सर्टिफिकेट देखिए सीटी का ब्रोशर आपके पास में है? हाँ है, फोन में। हाँ, तो सीटी ब्रोशर जो अगर आप डाउनलोड कीजिए एक बार, और उसमें फॉर्मेट दिया हुआ ये सारे सर्टिफिकेट्स का। अच्छा, ये हर कैटेगरी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कौन से अथॉरिटी से वो आपको इश्यू कराना है, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिए। अपना जो सीटी का ब्रोशर है ना, एमएससीटी का ब्रोशर, आप अगर एमएससीटी ब्रोशर आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा वो वेबसाइट। अच्छा, तो उसपे वो फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के से ही इश्यू किया है कि नहीं। अगर वो किया है तो फिर ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ब्रोशर पे एक बार वो फॉर्मेट आप चेंज चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। जी सर, अगर हमने कैपराउंड फर्स्ट में अगर एक कॉलेज का ऑप्शन अगर फ्रीज किया अगर, और हमें लग रहा है कि दूसरे राउंड में अगर हमें अच्छा लग रहा है और वो भी फ्रीज किया, तो पहले राउंड के जो फ्रीज किए हुए जो फ्रीज कर दिया ना बेटा आपने, क्या नाम आपका? सागर। जी सागर महाजन। सागर देखिए, आपने अगर कैपराउंड वन में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया और आपने फ्रीज कर दिया तो आप आगे वाले कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कॉलेज तुम्हारा फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, अभी फ्रीज हो गया ना, फ्रीज हो गया। अगर तुम्हें सागर, अगर तुम्हें डाउटफुल है कि नहीं मुझे इससे बेटर मिल सकता है, तो तुम्हें क्या करना, फ्लोट रखना है, है ना? और सर ने जो फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड का ऑप्शन दिया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें अगर कॉलेज है कि नहीं मुझे तो यही कॉलेज लेना है, बट इसमें मुझे बेटर ब्रांच मिल जाए तो अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर स्लाइड। स्लाइड कर दिया तो उसी में बेटर ब्रांच अगर अवेलेबल है देन यू कैन गेट इट। बट अगर तुम्हें लगता नहीं मुझे कोई दूसरा कॉलेज भी ले सकते हैं, मिल सकता है, अगर मिल जाए तो बेटर है, तो तुम्हें क्या करना है, फ्लोट करना है। बट यू आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज कि नहीं मुझे कॉलेज ब्रांच सब क्लियर है, तो क्या कर देना, फ्रीज कर देना, और अब तुम फिक्स मतलब हो गया कि ये कॉलेज में ही तुम्हारा एडमिशन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सागर। जी हाँ सर, और एक बात पूछनी थी, अगर हमने स्लाइड और फुल फ्लोट अगर किया है तो फिर जो 5-6 हज़ार रुपए जो भरना पड़ते वो भरना पड़ेगा क्या? नहीं, वो भरना ही पड़ते हैं आपको, वो भरना ही पड़ता है आपको, वो प्रोसेस सारा आ जाएगा बेटा और डिटेल में, लेकिन वो भरना पड़ता है। एक बार आपने वो भर दिया एडमिशन के टाइम पे जो बैंक चालान भर दिया आपने, उसके बाद फिर वो नहीं बाद में करना पड़ता है, लेकिन एक बार ही भरना पड़ता है। नहीं सर, अगर लेकिन हम वो भरते भी है और दूसरे राउंड में अगर स्लाइड और फ्लोट करने के बाद अगर लगता है तो ये पैसे उस कॉलेज में ट्रांसफर होगा। जब आपका देखिए वो जब आप जब जा रहे हैं, अभी अभी तक का प्रोसेस क्या है उसमें कि जैसे मान लीजिए प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, फिर वो जो भी सेंटर आप जहां पर गए हैं डॉक्यूमेंट्स लेके अपना, तो वहां पे आपको बताना रहता है कि मैं फ्रीज कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ कि स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपसे पूरी फीस नहीं लेते हैं, वो एक कुछ तो भी अमाउंट रहता है, वो खाली उतना ही लेते हैं। और आपने अगर फ्लोट कर दिया तो वो बाद में वो एडमिशन प्रोसेस में आपको उसका वो दूसरे कॉलेज के लिए कंसीडर होता है उसके लिए। जी हाँ, ठीक है। तो लेकिन अभी कैसा है ना, अभी तो ये बताया गया कि आपको जाना है, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है वो लोग आपको मतलब फिजिकली वहां प्रेजेंट होके जाने के लिए हो सकता है वो कंसिडर करे, हो सकता है कुछ अल्टरनेटिव ऑनलाइन प्रोसेस भी उसमें आ सकता है। मोस्ट प्रोबली ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा बेटा, ऐसा लग रहा है हम लोग को भी, लेकिन कैसा है ना, जब तक कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है हम लोग भी अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। जी हां सर, और कॉलेज की मेरिट लिस्ट सर आप डालने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कट ऑफ में हम लोग अभी देने वाले ना बेटा आपको, तीनों राउंड का, वो बहुत ध्यान से देख लो, और जितने भी आपको जो लग रहा है आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा, और वो चीज आपको ऑप्शन फॉर्म भरने में इतना हेल्प करेगा कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छे से आप उसमें ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि देखिए परसेंटाइल है तो पेपर इजी होता है या हार्ड होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटाइल से आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि लास्ट ईयर ये कॉलेज में ये ब्रांच कौन से परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था,
तो वो अभी मनीष सर आपको वो तीनों राउंड का जो है अलॉटमेंट लास्ट ईयर का वो शेयर कर देंगे आपके साथ। और ये जो लिंक है सीटी सेल वाला, इस पे आप बार बार आप सर्व करते रहिए, जो भी आएगा इसी पे डिटेल आएगा वो। निर्भय कोई डाउट जी? सर, सर नहीं सर। हाँ शाम भी बोलो सर। कुछ कॉलेजेस है जिसमें इस साल नया ब्रांच आया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, तो सर उसके लास्ट ईयर के कट ऑफ है नहीं, तो उसपे कैसे पता चलेगा कि कितना जा रहा है या फिर कैसे होगा राउंड तक वेट करना है या फिर नेक्स्ट पे जाना है? अब उसमें तो देखो तुम्हें अगर इंटरेस्ट है कि वो ये अच्छा ब्रांच है ना, तो तुम पहले फिल हाँ। कर, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैकेनिकल से ही अच्छा है तो मैकेनिकल के ऊपर रखोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर, नए ब्रांच जो होता है ना थोड़ा सा रिस्क होता है कि ये कितना अच्छा ब्रांच है नहीं पता है ना। बट इफ यू हैव सम इंटरेस्ट कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे मजा आएगा, हाँ। तो अपना ऊपर रखो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हाँ। है तो वो क्या करेगा, पहले मैकेनिकल रखेगा देन वो नीचे रखेगा, इट्स अपॉन यू। हाँ सर, तो फिर वो नया ब्रांच है तो फिर बच्चे प्रेफरेंस नहीं देंगे तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा ना? हाँ सर्टेनली कट ऑफ कम जाएगा, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा चांसेस रहेगा कि नीचे वाले रैंक को भी मिल सकता है हाँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर वही उसका रैंक फिर हाई हो जाता है। जैसे IIT बॉम्बे एक नया ब्रांच एनर्जी साइंस करके ये किया था, फ्लोट किया था, तो जब फर्स्ट ईयर किया था तो लोगों को बहुत आइडिया नहीं था तो उसका कट ऑफ नीचे तक फिल हो जाता था, बट सेकेंड ईयर से उसका कट ऑफ हाई जाने लगा है ना। तो नए ब्रांचेज मैं तो कहता हूँ कि नए ब्रांच में रिस्क ले सकते हो, बिकॉज नए जो ब्रांचेज स्टार्ट कर रहे हैं वो करंट सिनारियो के अकॉर्डिंगली कर रहा है कि अभी मार्केट में क्या नीड है ना, तभी क्या जरूरत है, किस टाइप के चीजों की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फ्लोट हो रहा है नया ब्रांच। तो यू शुड टेक द रिस्क, रिस्क नहीं है, यू कैन टेक दिस। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट, अब मान लो तुम्हें इंटरेस्ट है तो और बहुत अच्छा है, अब एकदम से इंटरेस्ट हाँ। नहीं है तो सर्टेनली हमें नॉर्मल जो ब्रांच लग रहा है उसको चूज करना है। ठीक है सर। ठीक है शाम। और किसी को कोई डाउट? और ये जो अभी सर ने पीपीटी किया था तो अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड सौरभ सर का नंबर भी शेयर कर दूंगा, आई होप कि सबके पास होगा, नहीं तो तुम सर से कभी बीच में कुछ होता है डाउट तो पूछ सकते हो सर से, हम लोगों से जो आइडिया होगा है ना। मनीष सर विल शेयर माय नंबर तो आप बाद में भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो था कि रेजोनेंस हमेशा लास्ट मोमेंट तक, जब तक तुम लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते हो तब तक हम लोगों का सपोर्ट रहेगा, कॉलेज के बाद भी तुम लोग जब भी हो कभी और मिलते रहना, ये रेजोनेंस फैमिली है ना, सो हम लोगों का सपोर्ट हमेशा रहेगा। ओके साहिल, कौस्तुभ, कोई डाउट है? रजिस्ट्रेशन हमें मेरिट लिस्ट से पहले करना पड़ेगा या बाद में? पहले ही आपको, देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उन्हीं का ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होता है, ये मैंने आपको बताया, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है आपको, अगर आप कैप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो खुलती है। लेकिन अभी तक आया नहीं है, जब भी आएगा तो वो सर ने जो लिंक शेयर किया है ना उस पे लिंक पे तुम जनरली हर दिन देखते रहना, और हम लोग भी इन्फॉर्म कर देंगे जैसे हमें पता चलेगा, सॉरी सर। ये रहा हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ चीजें जो डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट आता है कुछ भी दिक्कत है सर्टेनली हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी सेशन एंड करते हैं।